Now we will see how we can develop these leadership qualities in our students, in our kids. So one of them or some of them qualities are now we are going to discuss. All about me, responding to stress and reaction sherards. ये कुछ छोटी-छोटी activities हैं जिनके through हम leadership qualities पैदा कर सकते हैं अपने बच्चों में. All about me ये है कि जब अब क्लास में आपके सामने बच्चे आएंगे, तो आप उनको कहें कि भाई सबसे पहले तो वो ओरली अपने आप को डिस्कस करें जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपना तारुफ़ करवाएं तो हम बच्चों से कहेंगे अच्छा भाई आप अपने बारे में हमें बताएं और अगर बच्चे लिख सकते हैं तो वो छोटी छोटी सेंटेंसेस लिखेंगे भी लेकिन अगर लिख नहीं सकते तो वो बताएंगे कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वो क्या चीज़ पसंद करते हैं क्या नापसंद करते हैं कौन सा काम ऐसा है जो वो घर में दूसरों की दूसरों के साथ करना पसंद करते हैं किस दोस्त को पसंद करते हैं उसकी उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे उनको अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता चलेगा और समटाइम्स वो अपनी वीकनेस के बारे में भी जानेंगे वीकनेस के बारे में जानना बहुत अहम है वो इसलिए कि अगर आपको पता चल जाए कि हाँ ये आपकी कमज़ोरी है मसलन कोई बच्चा कहता है कि मैं चिपली से डरता हूँ या मैं छत से गिरने से डरता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो फिर उसके खिलाफ कोई स्टेप ले सकता है कुछ उसका कोई इलाज कर सकता है कोई तरीका ऐसा हो सकता है जिसके ज़रिए वो अपने खौफ पर काबू पा ले लेकिन वीकनेस का पता होना ज़रूरी है और फिर हम क्या करते हैं कि जी रेस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस ग्रुप के अब ऐसा है कि बहुत से ऐसे मॉरल और एथिकल कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम छोटे छोटे स्किट्स के ज़रिए बच्चों को सिखा सकते हैं मसलन आ, आप उनसे कह सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो बूढ़ा बन जाएं कोई आ, मांगने वाला जैसे रोड स्ट्रीट पे लोग होते हैं कोई जख्मी बन सकता है कोई बीमार बन सकता है और फिर आप बच्चों से कहेंगे कि वो किस तरह से उनकी मदद करना पसंद करेंगे क्या क्या स्टेप होंगे मसलन अगर कोई मरीज ही है तो बच्चे अगर डॉक्टर बनने का स्किट कर रहे हैं तो वो उसका बुखार चेक करेंगे उसको हेल्प आउट करेंगे उसको दवा देंगे और इस तरह से उसको लगेगा कि कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो बीमार के लिए लिए जा सकते हैं इसी तरह बूढ़े को सड़क पार करानी है या किसी को खाने में हेल्प करनी है तो छोटे छोटे स्किट ऐसे हैं जो कम्युनिटी के ऐसे मसाइल को सामने ला सकते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं और हम और हमारे बच्चे उनकी तरफ तोज्जो नहीं देते तो हमें उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करने के लिए इस तरह के स्किट करना है ताकि उनको रियल लाइफ कैरेक्टर्स की आ, पहचान हो कि उनके मसाइल क्या हैं और फिर वो उनके हल के लिए सोचें और कहीं कहीं उनको हम प्रॉब्स भी देते हैं यानि उनको इंसेंटिवस या उनकी मदद भी करते हैं जैसे हमने विदास्की की थेरी के बारे में आपको बताया कि वो जोन ऑफ प्रोजिमल डेवलपमेंट को कवर करने के लिए कुछ मेच्योर हेल्प भी उनको चाहिए तो जहाँ उनको नहीं समझ आ रही होती आस्था से कुछ सेंटेंसेस आप बोलते हैं और फर्दर फिर बच्चे उसके साथ वो सेंटेंसेस बोलते हैं फिर एक अगली एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है दैट्स कॉल्ड रिएक्शन शरार्स ये जैसे अक्सर हम uh, बच्चों के साथ छोट छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स के गेम खेलते हैं कि उसके ऊपर उनको कुछ भी रिएक्ट करने के लिए कहा जाता है कोई कैरेक्टर बनने के लिए कहा जाता है या जैसे डेयर ट्रूथ एक गेम होती है जिसमें आप कोई डेयर करने के लिए उनको कहते हैं कोई ऐसा काम जो नॉर्मली वो नहीं करते या नहीं करना पसंद करते तो वो उनको दिया जाता है तो यहाँ क्या होगा कि बच्चे कार्ड निकालेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि उनके करने को कौन सा रिएक्शन या कौन सा टास्क दिया गया है उस टास्क को वो मुकम्मल करेंगे और Uh, जब वो टास्क मुकम्मल कर रहे होंगे तो दूसरे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं मसलन अगर वो एक्ट कर रहे हैं जैसे आपने लिखा कि बारिश आई है तो आप बारिश से कैसे बचेंगे तो बच्चे छतरी लेने की एक्टिंग करेंगे और इससे दूसरों को पता चल जाएगा कि वो बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं या अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई जिससे उनको डिसलाइक का रिएक्शन देना है या उनको लाइक like का रिएक्शन देना है तो बच्चों को इमोशनल जो इंडिकेटर्स uh, हैं जो साइंस हैं उनकी समझ आएगी जो उनको देख रहे हैं उनको उनके एक्सप्रेशन पढ़ना आएंगे और फिर वही एक्सप्रेशन जब वो रियल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ उनको जब वो लोगों को देखेंगे किसी के चेहरे पे बेचारगी की बेबसी की कोई कैफियत है या मुस्कुराहट की या खुशी की कोई कैफ़ियत है तो उसको समझ पाएंगे और उनको उस उसको अपने लिए महसूस करेंगे यानी इससे उनकी एम्पटी जो है एम्पटी के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बेहतर होंगे दूसरा ये कि जब तक ये जो छोटे छोटे इमिटेशन्स प्ले होते हैं जिसमें हम उनको रोल प्ले करने के लिए कहते हैं ये दो तरह का उसमें फ़ायदा होता है एक तो ये कि उस सिचुएशन को हैंडल करना उनको आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग है दूसरा ये कि वो इमर्स होते हैं फिर उस कैरेक्टर के अंदर उसकी नीड्स को उसकी रिक्वायरमेंट्स को वो समझते हैं और फिर उसके साथ एम्पैथेटिक होने की कोशिश करते हैं